1947 के विकसित भारत की नींव रखने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी वाला चुनाव, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और संकल्पों को साकार करने वाला चुनाव, और शायद जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये चुनाव एक सांसद या सरकार चुनने के लिए नहीं है, ये आने वाले भारत के 1000 साल की नींव रखने वाला चुनाव है। तो इस सबसे बड़े चुनाव पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क 80, मैं आपके साथ अमन चोपड़ा, और इस देश के सबसे बड़े चुनाव पर बात करने के लिए इस खास में हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस नमस्कार इंटरव्यू भैया, आपके दर्शन को मिलने का अवसर मिला मुझे आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा, अमन शर्मा और पायल मेहता मेरे साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। सवाल बहुत है, लेकिन पहला सवाल दरअसल ये है कि 2014 में 300 की बात की गई थी, 300 पार या 300 की, 300 आई। 19 में 350 की बात की गई, 350। अब 400 पार की बात की गई है, दावा है 400। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात, मतलब ये सवाल मैं गंभीरता से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग जब हैं चर्चा ये है कि मोदी 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है, हार जीत की शायद संभवता बात कम हो रही है। अब सवाल एक ही है कि 400 पार हो रहे हैं मोदी या नहीं हो रहे, आपका एनालिसिस सर? एक तो आपके सवाल को मैं गंभीर ही मानता हूँ, मैं कोई लाइट नहीं मानता हूँ, और इसलिए मेरा जवाब भी बड़ा गंभीर ही रहेगा। आपने जो भूमिका बनाई, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हजार साल के भविष्य को तय कर देती हैं, और दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। मेरे देश में मैं देख सकता हूं कि ये समय ऐसा है कि इस समय होने वाली सभी सकारात्मक चीजें और सभी सकारात्मक शक्तियों को एक आने से 1000 साल के भविष्य की दिशा तय हो जाएगी, और वो भी सकारात्मक होगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, और इस अर्थ में ये चुनाव कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर देश का निर्णय आजादी के बाद पैदा हुए लोग वही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है अथवा 21वीं सदी में जिसने जन्म लिया है, जी वो अब निर्णायक एज ग्रुप पे पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने बुराइयां देखी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक तड़प है कि दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं वो ये है कि सामान्य मानवी, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है, हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन, किसी भी देश की गति बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा, और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशन को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले, और मेरा देश ऐसा होगा तो मुझे, मैं इसे निकालूंगा, इस बात पर केंद्रित हुआ है। दूसरा, ही देश के महिला वर्ग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा है, इतना ही नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है,
हम कुछ कर सकते हैं, उनके भीतर भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उसे बाहर जाके करना, इस जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का इस जज्बा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हजार साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कौन नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूं जी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। आप छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता हूं, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है, समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं। मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं 400 पार का, और कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, एनडीए 400 के पार जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं अगर स्पेसिफिक्स में आपको लेके जाऊं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें बीजेपी एक तरह से सैचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई, तकरीबन पूरा स्वीप हुआ। तो ये जो गेंस हैं, जो 303 से 370 की जो जर्नी आप कह रहे हैं कि होगी, ये गेंस आप किन स्टेट से देख रहे हैं? क्या ये दक्षिण भारत से आएगा, क्या ये बंगाल से आएगा, उड़ीसा से आएगा, आंध्रा तेलंगाना से आएगा? आपका थोड़ा अगर माइक्रो असेसमेंट हमें मिल पाए कि कैसे बढ़ेगा। देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ, तो गुजरात में हम कई वर्ष समय से लगभग टू थर्ड मेजोरिटी से लेते थे, तो सोचने वालों का भी एक स्ट्रेटजी जैसा हो गया था, उससे अधिक सोच ही नहीं पाते थे। अब मेरे बात करते थे, क्या मोदी जी अब टू थर्ड मेजोरिटी, 3-3 दशक हो गए। मैंने कहा क्या बात करते जी, मुझे बहुत कहा, और जब 156 हम जीत के आए उनके लिए था। अब ये 156 कहाँ से निकलेगी, तो कागज लेके बैठोगे तो नहीं दिखा बैठेगा। अगर आपको लगता है कि इतना सारा सैचुरेशन होगा, क्या होगा, मैं देखूंगा कि राजस्थान में मेरे अगर 25,000 बूथ है, पिछली बार मैं अगर 5,000 बूथ में पीछे था, तो इस बार मैं 5,000 में हूँ, या 3,000 में हूँ, या 2,000 में, मेरा हिसाब किताब अलग है जी। तो इसलिए मुझे कोई चीज अंतिम नहीं है, मैं लगा उसमें भी नया, फिर मैं ये देखता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बूथ में विजय मिला, तो मैं पूछता हूँ अच्छा वोटिंग क्यों नहीं हुआ, वोटिंग ज्यादा हुआ तो वोट क्यों नहीं मिला। मैं इतनी बारीकी से प्लान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि चुनाव है ये एक बड़ा विज्ञान है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है जी, और कैंपेन है वो केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री कैसी बनती है उस पर है। और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर आपको लगता है कि इस राज्य में तो कुछ नहीं, तो लेकिन उसके सिवाय भी मुझे वहां बहुत कुछ लगता है। तो एक पार्ट जहां तक राज्यों का सवाल है, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां अभी हमारे पास स्कोप है। अब जैसे अंडमान निकोबार, पिछली बार हम नहीं थे, इस बार हम आएंगे। यानी ऐसी एक एक जाओगे तो आपको अच्छा, हाँ यार मोदी ने बराबर हिसाब कर लगा के रखा है। तो मेरा पक्का मत है कि हम बहुत सी जगह पे हम काफी कुछ करेंगे इस बार, क्योंकि दक्षिण भारत आपका एक बड़ा फोकस भी रहा है सिलेक्शन। ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान है, मैं टुकड़ों में नहीं सोचता, और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूं। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अपनी सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा
फोकस देश बने इसके लिए है, और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, लक्षद्वीप में भी G20 होगा, मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब भी आप सत्ता में रहे हो, चाहे वो CM रहे हो, आप PM रहे, कभी उड़ती है बात कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है कि आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है इधर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है, तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे बढ़ाने का बहुत सारे पहलू है। मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है, अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज़ अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें की समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब नियमा, ये जो सोच है ये टोटल अनडेमोक्रेटिक सोच है, और उसी में कुछ पत्रकारों को डिस कर दिया जाए, वो इस सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, बॉयकॉट, वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है, पत्रकार के साथ हो रहा है तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे, तो इंस्टीट्यूशन तो मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या, उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसे शक्तियां उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। और मैं पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब देश समझेगा कि भाई ये 2200 करोड़ रुपयों के ढेर टीवी के सामने दिख रहे हैं पहाड़ नोटों के, तो लोग देखें यार कोई तो सिस्टम होगी जिसने पकड़ा होगा, तो पता चलता है वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो संस्था है, तो उसके भी जैसे सेना के प्रति आज एक सम्मान का भाव है, वैसा ही सम्मान का भाव जो देश के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है उनको होना चाहिए, तो वो भी मेरा एक मिशन है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उनकी अपनी बुराइयां होगी वो भी कम होती है, उनके भीतर कभी कभी बुराइयां जो आती हैं आप मान सम्मान और तो उसको लगता है जीवन में बहुत मिल गया जी, वो बुराइयों से बचता है, तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरीका होता है। तीसरी बात है कि लोगों को तो ये लगेगा ठीक है सरकार ने पैसे ले लिए हमारा क्या, तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया वो दूंगा। और इसलिए जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है, ये वहाँ जो पार्टी है उसका है, इन्होंने क्या किया, ये लेफ्टिस्टों के लिए बार छवि ऐसी है कि दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है, गरीबों के पैसे हैं, मिडिल क्लास के पैसे हैं, सैलरी वाले सोसाइटी उसके पैसे हैं,
और बच्चों की भलाई के लिए बेचारों ने पैसे बैंक में रखे हैं, ये बैंक डूब गए। क्यों डूबी? तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो ये बैंक डूब गई, या उसमें से चोरी की तो बैंक साइफन कर गए पैसे। अब हमने उन प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा, जो पैसा आएगा जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है उसका तो नाम है, उसको मैं वापस करूंगा। अब जैसे लालू जी ने, इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इसकी जमीन, ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहाँ रेट कार्ड है हर नौकरी के, टीचर बनना है तो ये, पीएन बनना है तो, हाँ आंगनबाड़ी वर्कर, ये पैसा रेट कार्ड है, कट मनी, और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े हैं। मैं खोज रहा हूँ कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहाँ से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला इधर को दिया था, तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा, हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, मैं ये पैसे उसको वापस दौड़ाऊँगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूँ न खाने देता हूँ, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। मोदी जी, क्योंकि मैं लंबा समय बंगाल में रही हूँ तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है, आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते, कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिस्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है, आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह की एट्रोसिटीज होते हैं महिलाओं के खिलाफ, हमने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी हैज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनकी राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पर इतना कंट्रोल है लेकिन गलत दिशा में है, वे शासन पे कंट्रोल है नहीं है, और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है, वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है, उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिस्ट्री दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, नहीं हो सकता है। आप बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 MLA थे, लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, और खान मार्केट गैंग देखिए, किसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय। अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा, लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे जी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है, और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते, अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे,
बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब इकोसिस्टम, या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट, कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूँ उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो, कम से कम हाईकोर्ट ने शराब घोटा के लेके मारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। चिंता का विषय यह है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा है तो महीने भर स्कूल नहीं आता था, उसके माँ बाप भी शर्माते थे यार मेरे बच्चे एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था, ये स्थिति थी। यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में, आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो, ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है, मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे महिमा मंडन होता था समाज में, अखबारों में भी, मैं जो मेरा तो पहले के जमाने में दो दो पेज स्टोरी कवर स्टोरी मिलती थी उनको, ऐसा ऐसा उसका तो ऐसा तो ऐसा कर सकता है और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का, मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स सोबराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे और आज मैं देख रहा हूं, वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। मोदी जी कोई भी है जो प्रधानमंत्री दो बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम आ जाती है, इसमें तीन बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए, बट आपके खिलाफ ग्राउंड पे जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो 272 जब पार हुआ 2014 में तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में, अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता और नहीं मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, बात नहीं है, लेकिन मैं काम क्या करता हूं उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में औरों के काम में फर्क क्या है? आमतौर पर जो सरकार चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनाओ और उनको लगता है देश चलता है, और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी, देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस बहुत हो चुकी थी, संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन
कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद ने देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए सरकारों के अलग अलग मॉडल अब देश के सामने आ चुके हैं, और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। कोई यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा है, जो ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियाँ चलती है उनका मॉडल भी देखा है, दो देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है, और बीजेपी सरकार का भी मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी रही, किसने किसके लिए काम किया। एक 100-200 पैरामीटर तो आप देखेंगे द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा आपको। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य का विश्वास बढ़ता है। फिर एंटी इनकमबेंसी किस बात की होती है कि एक ऐसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ। हरे का होता नहीं है, प्रो इनकमबेंसी में कोई हरे का हो गया ऐसा नहीं होता। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूं कि आप लोग चुनाव में जो करते हो रहना, लेकिन मेरा एक काम करना। और कहता हूं मैं, कहीं आप जाए झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है सब मिले, या कोई अच्छे घर में रहता है, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म है, मैं उनको मकान देना चाहता हूं, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूं। आप अगर कोई नजर में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो मेरा तो ध्यान है उन 3 करोड़ घर बना के दे रहा है। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जब करते हैं, और मेरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान की सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, लास्ट में डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया, कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, कुछ मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो उनको पता नहीं था मैंने क्यों बुलाया, बैठाया सबको, फिर मैंने सबको एक पैर दिया लिखने के लिए, वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने कि उनको दिया। मैंने कहा मुझे आप बताइए कि एक वीडियो गांव में रहती है, अनपढ़ है, और सरकार की ये स्कीम है, उसकी वो हकदार है, उसको प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना, कहाँ जाना, मुझे आपकी मैंने डायरी दी इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो, ये भी सरप्राइज, सब के सब फेल हो गए। फिर मैंने कहा, मैं कुछ वो नहीं, बड़े प्यार से बात करता था, मैंने कहा मुझे बताइए भाई, आप आए सर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं कि एक वीडियो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है, अप्लाई का। मैंने कहा बताइए, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई, उस वीडियो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है यार कुछ तो कमी है, और फिर वो करेक्ट करते थे। तो मैं, मेरे दिल में ये रहता है कि भाई मैं योजना बना दूँ, वाहवाही एडिटोरियल छप जाए, ठीक है मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन आम आदमी, मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है। दूसरे जैसे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में तो सरकार ने क्या करना था, लेकिन मैं झाड़ू लेकर के घूमता था। छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है, इस चीज को छोटी मत मानिए जी।
आज के युग की बहुत बड़ी घटना है। इसी के लिए आप लोगों का शब्द है पुरोहित मंच, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश देखता है जी, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, उसको सब समझ होती है। तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही बेनिफिट मिला है। मुझे लगता है कि 150-200 रैलियां रोड शो कर चुके हैं अभी तक पिछले 2 महीनों में, लेकिन उससे भी ज्यादा लग रहा है कि बदजुबानी विपक्ष की बढ़ी हुई है, उससे ज्यादा आप गालियां पड़ रही हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है माता पिता तक लोग मतलब बदजुबानी कर चुके हैं, गालियां दे रहे हैं, और पहली बार हम देखा है कि ऐसा चुनाव आया है 2002 का जब से आप चुनावी राजनीति में आए, कि पहली बार माँ के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि हर बार आप वोट करने जाते थे और माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, हम लोगों ने गांधीनगर में हमेशा देखा, तो ये मिस कर रहे थे आप, और दूसरा ये बदजुबानी कैसे लेते हैं आप? मैं दो चीज़ों को अलग करके देखता हूँ। ये कहना कि मुझे अभी भी गालियाँ पड़ रही है वो सही नहीं है। शायद मेरे जन्म से पहले से गालियाँ मेरे लिए तैयार रही, और 2001 में जब मुझे मुख्यमंत्री का काम मिला तब मुझे शायद कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें मुझे गाली ना पड़ी हो और बिना कारण मेरे बाल नोच लिए हो। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, ये खान मार्केट गैंग पूरी, ये आपके मीडिया में जो महारत कहे जाते वो भी, आप पुराने अगर अंक निकालेंगे मैगजीन बड़े नोन तो उसके फ्रंट पेज पे जो कवर्स भी है, तो किसी राक्षस को भी अच्छे से पेंट किया हो उससे भी बद्दी तस्वीरें मेरी है। लेकिन मैं अपना आपा खोया नहीं, मैंने कभी नहीं खोया, क्योंकि उन्हीं की मजबूरी है कि उनको आज हंसता हुआ चेहरा देखना पड़ रहा है, और उनको एक साल में अगर 24 अंक निकलते हैं 12-15 में तो माल बेचने के लिए मोदी की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपने कर्तव्य से लेके चलता हूँ। अच्छा होगा कि लोग तो मैं सार्वजनिक में सूचना का पालन हो, मर्यादाओं का पालन हो, आलोचना हो, लेकिन अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छे ढंग से भी हो सकती है। ऐसा नहीं हमसे भी कोई गलती नहीं हुई होगी, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हम सब ने सोचना चाहिए जो उपदेश दो इसका क्या मतलब है। मोदी ने खुद ने भी गलती की होगी, मोदी के साथियों ने भी गलती की होगी, लेकिन भारत में ये स्थिति ठीक नहीं है जो हो रहा है, ठीक नहीं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेंगे, तो जो हमारे जो खेल प्रेमी युवा है सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम करेंगे, सर उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा है वो जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिस G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ अब भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता है चीजों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था यार कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास नहीं हम भी कर सकते। G20 का दूसरा फायदा यह हुआ कि देश 60-70 अलग अलग स्थानों पर G20 उतने ही शान से हुई, तो देश के हर कोने में विश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली में करते तो लगता है एक सरकारी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पीपल्स ड्रिवन G20 हुई। इस कारण एक विश्वास बनता है कि यह देश कितने ही बड़ी चीजों को कर सकता है। और आज के युग में मेरा मानना है कि भारत है, जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया, तो उसके मेरे मन में है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, धनी लोग खर्चा करते हैं या रहते हैं। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए, और मैं आजकल छोटे मोटे अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक मैं चाहता हूँ भी देखो इसको, इसका वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ, आपने बीच ओलंपिक का भी जिक्र किया, बीच ओलंपिक मैंने कहा ले आओ 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है जितने भी ओलंपिक होंगे
उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहाँ जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के, और उससे भी आगे मैं बताता हूँ। मैं अटलांटा में ओलंपिक देखने गया था यूएसए में, मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूँ लेकिन व्यवस्थाओं को सीखना समझना मेरी रुचि है। तो मैं जाकर के देखा कि भाई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मेरे प्रिय कुछ गेम में देखने जाता रह जाए भारत के लोग खेल रहे तो, लेकिन पूरा समय मैं देखता था। तो मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने क्या किया था। और मैं कभी कभी बता मैनेजमेंट मेरी रुचि है, चीज़ें सीखने का मेरा शौक है। 200-250 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कितने 200-250 किलोमीटर उसको पार करनी होगी अपनी गाड़ी ओलंपिक स्टेडियम से 200-250 किलोमीटर, मतलब एक कार का वहाँ बस होगी, कार खाली करो बस में बैठ जाओ, उसको जो गेम में जाए उसका कलर, उस गाड़ी का कलर सब सेम रहता था। तो उसको पता है कि मुझे अगर हॉकी में जाना है तो मुझे इस कलर वाली बस में बैठना है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में बैठता है। फिर वो बस एक मेट्रो स्टेशन पर जाती थी, तो बस के लोग सब मेट्रो में उस कलर वाले डिब्बे में बैठ जाते थे, अथवा वो कलर वाली जब मेट्रो आती तो बैठते थे, वो सीधी उस स्टेडियम के पास जाती थी। मतलब कार 60 कार में से एक हो गई, एक बस में से 60-100 बस में से एक मेट्रो हो गई। इन्होंने 1-2 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया, ऐसी चीज़ें मैं उस समय स्टडी करता था। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज़ स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी आवश्यकताएं क्या होती उसको समझना, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना, क्योंकि खेल मेरे यहाँ आए हैं गोल्ड मेडल कोई और ले जाए ऐसा तो नहीं होता। सर हमें से किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने मेडल आएंगे ओलंपिक में, पैरालंपिक्स में जिस तरह से आए पिछले। देखिए भारत के युद्ध में तो दम था ही था, भारत के युद्ध में तो दम था ही था, लेकिन पहले सिलेक्शन में भी संप्रदायवाद, परिवारवाद, जातिवाद हर चीज में था। वो सिलेक्शन उसके आधार पर होता, मेरे परिवार का बच्चा है खेले ना खेले यार जाए तो सही, यही होता था। अब खिलाड़ी है तो जिस खेल में योग्यता है सिस्टम उसको सिलेक्ट करती है, वो मेडल लेके आ जाता है। जब ट्रांसफरेंसी आती है तो परिणाम भी आता है। सर आखिरी सवाल पंजाब पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 3 रैली भी पंजाब में पिछले 2 दिन में किए, मैं भी पंजाब में था। पंजाब एक स्टेट है जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहाँ किसान प्रोटेस्ट भी कई जगह पर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पंजाब की सिचुएशन के, आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहाँ पर, जो फार्मर्स कुछ लगता है शायद नाराज हैं? पहली बात है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है। वहां जो सरकार है वो पूरी तरह विफल गई है, और पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उनको दिल्ली से रिमोट से सरकार चलाए इसको पंजाब का अपमान मानते हैं, और ये इनके जहन में है। और सबसे ज्यादा तब हुआ कि एक मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए गाइडेंस के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जाए, पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे, तो फिर पंजाब की क्या है? इसका गुस्सा है, ये चुनाव में बाहर आने वाला है। और उनको लगता है कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख समाज के लिए भी इतना काम किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या मैंने एक प्रकार से किसानों की भलाई के काम की बात हो, किसानों की इरिगेशन की चिंता हो, MSP बढ़ाने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्था की बात करनी हो, यूरिया दुनिया भर में 3,000 रुपया हो गया हम 300 में दे रहे हैं, तो एक प्रकार से अनगिनत मैंने काम की है उसका लाभ भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि बेनिफिट है। मैंने जो मिलेट का किया है ना जी, वो भारतीय किसानों को छूता है, उनको लगता है यार हमारा मिलेट अब दुनिया में बिकेगा, उसको गर्व हो रहा है जी, उसको आनंद हो रहा है। तो ऐसे
कौन सी चीजें हैं जिसका परिणाम मिलने वाला, और खासकर पंजाब को लेकर जो करतारपुर का जिक्र आपने रैली में, वो भी एक चर्चा का विषय है कि क्या हमने 71 में वो मौका गवाया, करतारपुर भारत में हो सकता था, वो मौका क्या हमने गवाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने समय निकाला और सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत धन्यवाद।